दिन बीतने को आया। निपनिया पुल से बीहर नदी में कूदे अधेड़ का अभी तक नहीं मिला कोई भी सुराग। पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में जाकर कूद गया नदी में, खोजबीन जारी। पूरा दिन बीतने को आया। निपनिया पुल से बीहर नदी में कूदे अधेड़ का अभी तक नहीं मिला कोई भी सुराग। पत्नी से विवाद के बाद शराब के नशे में जाकर कूद गया नदी में, फिलहाल खोजबीन जारी। लगभग 20 घंटे होने को आए। बीहर नदी में निपनिया पुल से कूदे अधेड़ का अभी तक नहीं पता चला है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया के पुराने पुल की है घटना। पत्नी से विवाद होने के बाद नदी में बीती रात 9 से 10 के बीच छलांग लगाई। पुलिस ने सुबह से ही शुरू की तलाश, दूसरे दिन दोपहर तक नहीं पता चला। कोतवाली थाना क्षेत्र निपनिया पुल से एक अधेड़ ने उपनाती नदी में छलांग लगा दी। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। शराब पीने का आदि था अधेड़, शराब पीने के बाद घर पहुंचा। इसी बात को लेकर पत्नी से हुआ विवाद, यह आए दिनों की बात थी। शराब पीकर जाता था रात को, रोज पत्नी से विवाद होता था हमेशा की तरह। कल भी एक बार पत्नी से विवाद हुआ, गुस्साए पति ने निपनिया पुल के पास जाकर पुल से छलांग लगा दी बीहर नदी में। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही है नदी में छलांग लगाने वाले अधेड़ की, जिसका नाम मोतीलाल साहू, पिता हीरालाल साहू, उम्र 57 वर्ष, निपनिया वार्ड नंबर 1 का बताया गया है। सिटी कोतवाली TI की माने तो पत्नी से विवाद होने के बाद जब वो घर से निकला तब पीछे पीछे उसका बेटा भी पहुंचा था, लेकिन बेटा थोड़ा पीछे रह गया, उसने पुल से छलांग लगा दी। ये कल रात में करीब 9:30-10 बजे के आसपास सूचना आई थी, समय नारी तालाब मंदिर में था, कि कोई व्यक्ति है निपनिया का, जो निपनिया नीचे वाले पुल से जा कर के और नदी में छलांग लगा दिया और चिल्लाते हुए जा रहा था। तो तत्काल वहाँ पुलिस पार्टी भेजा, बीट वालों को भेजा, काफ़ी तलाश कराया रात भर, लेकिन अभी मिला नहीं है। अब सुबह से एक टीम लगी हुई है, गोताखोर टीम, मोतीलाल साहू हैं। ये जानकारी मिली है कि वो शराब पीने के आदि थे और पत्नी से पीने के बाद कुछ विवाद हो गया था, उसी विवाद पर से वहाँ से वो गाली वाली देते हुए घर से निकले हैं और उसके बाद फिर जाकर नदी में छलांग लगा दी। पीछे पीछे लड़का भी उनका बल्कि गया था, तो जब तक पहुँचा उसके पहले ही वो छलांग लगा चुके थे।